नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत का ईवीएम में कैद होगी। आपको बता दें कि नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं। इनमें 28,54,945 पुरुष बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही 27,37,845 महिला मतदाता यहां पर बताई जा रही हैं। इसके अलावा 38 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी बताए जा रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 75.57% मतदान हुआ था और इस पहाड़ी राज्य में अब तक का ट्रेंड रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदलती है, यानी सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए चुनाव प्रचार में बीजेपी ने नया नारा दिया कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, यानी सरकार नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को बदलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि वे राज्य के भविष्य को संवारने में योगदान दें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए और हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए, हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। राज्य में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, प्रिय हिमाचल वासियों, आप सब अपने और अपने प्रदेश के हालातों को भली भांति समझते हैं। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सूझबूझ से मतदान का कर्तव्य निभाएं और हालातों को बदलने और हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने छठे दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शेवला गांव से फिर शुरू हुई और पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि पदयात्रा आरती गांव पार्डी मोड़ बस स्टैंड और कलामनुनी जिला परिषद हाई स्कूल मैदान से होकर गुजरेगी और कलामनुरी के ही शंकरराव सातव ऑटर्स एंड कॉमर्स कॉलेज परिसर में ही रात भर रुकेगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा शनिवार को 66वें दिन ही प्रवेश कर चुकी है और अब तक ही 6 राज्यों के 28 जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 150 दिन की ये यात्रा, इस यात्रा के दौरान 3,570 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की जाएगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होने से पहले ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और पद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 20 नवंबर को ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में ही महेंद्र भाई पाटलिया को और इसके साथ ही धोराजी मुलू भाई बैरा को भी खंभालिया और डेलबेन मालदे भाई और ओडेदरा को ही कुतियाना और इसके साथ ही आपको बता दें कि सैजल राजीव पांड्या को भावनगर, पूर्व हितेश देवजी वसादा को ही डोडिया पाड़ा और संदीप देसाई को चोयारसी से उम्मीदवार बनाया गया है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 10 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी की थी और पहली लिस्ट में बीजेपी ने 168 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीट हैं और जिनमें से अब तक 174
सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है और बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 2 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है और इसी के साथ ही बीजेपी की ओर से अब तक कुल 16 महिलाओं को आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारी मिल चुकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही 14 महिलाओं के नाम का ऐलान किया था और वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की थी। आपको बता दें कि इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल शामिल है और दोनों ही नेता इस बार बीजेपी उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव मैदान में नहीं है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, योगी आदित्यनाथ और हिमंत विश्व शर्मा और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से और भाजपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारक इस सूची में शामिल है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 2 प्रमुख युवा नेता हैं जो देश का नेतृत्व करने में सक्षम है और ठाकरे ने दिन में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था और राउत ने कहा कि 2 प्रमुख युवा नेता राहुल गांधी आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक साथ चलेंगे और इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों युवा नेता देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए राउत ने कहा कि शिवसेना भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि इनमें राज्य और देश के लिए काम करने के लिए बहुत ऊर्जा है। उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अखाड़े के नेता प्रकाश अम्बेडकर के एक साथ आने के बाद में ही पूछे जाने पर राउत ने कहा कि उन दोनों के दादाओं के बीच में ही एक रिश्ता था और अब ये आज पीढ़ियों में भी बन गया है। राउत ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और प्रधान करके ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया था। बाबा साहेब अंबेडकर के मराठी गौरव के बारे में मजबूत विचार थे। उन्होंने कहा कि प्रबोधन कर ठाकरे ने ही बाबा साहेब अंबेडकर से ही महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया था और इसके साथ ही उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया था कि राउत ने कहा कि अंबेडकर और ठाकरे 2 ताकतें हैं और जब वे एक साथ आएंगे तो आप देश की राजनीति को बदलते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना पहुंच रहे हैं लेकिन इससे पहले बीजेपी और बीआरएस के बीच बयानबाजी की जा रही है। दरअसल किसी भी राज्य में जब पीएम पहुंचते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस राज्य का सीएम पीएम को लेने पहुंचता है लेकिन तेलंगाना सीएम केसीआर ने जाने से मना कर दिया है। मिनिस्टर इन वेटिंग तलसानी श्रीनिवास यादव को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वही पीएम को रिसीव करने जाएंगे और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि तेलंगाना सीएम लगातार पीएम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और जबकि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने मोदी के दौरे के विरोध में राज्य में लगाए गए होर्डिंग्स और इसके साथ ही रामागुंड शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा द्वारा बंद का आह्वान किए जाने पर आपत्ति जता दी है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पीएम यहां पर विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं लेकिन यहां पर इस तरह का राजनीति विरोध किया जा रहा है और प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान रामागुंडम में शनिवार को एक उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को ही समर्पित करेंगे। अमेठी में अवैध शराब कारोबारियों को लेकर चेकिंग अभियान में 50 अवैध शराब और लहन बरामद किया गया है। बता दें आपको कि अमेठी जिलाधिकारी और उप आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी विभाग में अवैध शराब कारोबारियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया और वहीं इस दौरान संग्रामपुर कोतवाली के राजापुर पसियान में दबिश के दौरान 50 लीटर अवैध शराब और इसके साथ ही 500
किलोग्राम लहन बरामद किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लहन को मौके पर नष्ट कर 50 लीटर शराब को कब्जे में लिया गया है। और इस दौरान ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने धारा 60 के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत कर ही कार्रवाई की है। और इस दौरान आबकारी अधिकारियों द्वारा अवैध शराब को पीने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताया और जागरूक किया गया है। और इसी खबर पर अमेठी से संवाददाता विश्वनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अवैध शराब को नष्ट भी किया गया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, अमेठी जिलाधिकारी व उप आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी विभाग में अवैध शराब कारोबारियों को लेकर के चलाया गया अभियान। वहीं इस दौरान संग्रामपुर कोतवाली के राजापुर पसियन में दबिश के दौरान 50 लीटर अवैध शराब, 500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। बरामद लहन को मौके पर नष्ट कर 50 लीटर शराब को कब्जे में ले लिया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने धारा 60 के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत कर आबकारी अधिकारियों द्वारा अवैध शराब को पीने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। जी विश्वनाथ, इसमें कितने आरोपी कोई गिरफ्तार हो पाया है अभी तक, क्या जानकारी है इसके बारे में? जी आरोपी तो जहां तक जानकारी के अनुसार कोई नहीं गिरफ्तार किए गए हैं। मौके पर 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उचित कार्रवाई की जा रही है। और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इसके बारे में? जी स्थानीय लोगों की माने तो ये अवैध शराब का गोरख धंधा फलता फूलता रहता, लगातार इस तरह के छापेमारी होती रहती, महज दिखावा ही साबित होता है, कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक ही हो रही है समाज के लिए। जी विश्वनाथ, जिस तरह से हम देख पा रहे तस्वीरों में भी पुलिस द्वारा नष्ट किया जा रहा है अवैध शराब को लेकर, और इसी तरह से प्रशासन का कोई बयानबाजी इस पर सामने आई है कि किस तरह से इनका फल फूल रहा था अवैध कारोबार? जी बिल्कुल, इस तरह से प्रक्रिया कोई प्रक्रिया अपनी तरफ से आबकारी विभाग ने नहीं दी है। लगातार इस पर प्रयास भी किया गया कि अपना पक्ष अपनी बाइट उपलब्ध करवा दें, जिसका हम सब पक्ष रख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया कोई नहीं अपनी तरफ से दी गई है सरकारी विभाग की तरफ से। जहां तक यहां क्षेत्रीय लोगों की माने तो लगातार बड़े स्तर पे अवैध शराब का कारोबार होता रहता है। जी विश्वनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के फतेहपुर में संविदा कर्मचारी लाइनमैन के पद पर तैनात कर्मी को जेई के द्वारा गाली गलौज कर अपमानित करने के मामले में दो करीब एक हफ्ते बाद ही आज अधीक्षक अभियंता ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि एसडीओ बिंदी की मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन देकर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कराया गया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ फतेहपुर जिला इकाई के अध्यक्ष के नेतृत्व में अधीक्षण अभियान जो अभियंता कार्यालय में ही जिले भर के संविदा कर्मचारियों ने घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और संविदा कर्मचारियों की मांग है कि गालीबाज अवर अभियंता को जब तक निलंबित नहीं किया जाता अनिश्चितकालीन धरना जो है वो जारी रहेगा। हुई थी लाइनमैन द्वारा की गई थी, क्या कुछ किया गया, क्या कुछ एक्शन लिया गया विभाग द्वारा? देखिए हमारे डिगरुआ बिजली घर के जेई हैं बसंत लाल जी, इन्होंने संविदा कर्मी के साथ जो है अभद्रता की है, मोबाइल पर गालियां दी हैं जी। इस संबंध में मामला मेरे प्रकाश संज्ञान में आया है और मैंने अधिशासी अभियंता रिपोर्ट मांगी है, उसके आधार पर कार्रवाई की है। और इसी खबर पर फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, पूरा मामला बताइए विस्तार से। जी सुमन जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गाली गलौज का जो संविदा कर्मचारी के साथ गाली गलौज की गई अवर अभियंता द्वारा, वे बेहद ही निंदनीय है। इस मामले को लेकर जब संगठन द्वारा संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की, इसको लेकर जब उन्होंने बिंद की सब स्टेशन पर उन्होंने हड़ताल की और उन्होंने केवल ये मांग की थी कि उन्हें केवल माफी मांग ली जाए और ऐसी दोबारा हरकत ना करने की बात कही जाए तो ये धरना समाप्त कर देंगे, लेकिन अधिकारियों अपने रवैये पर अड़े रहे, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और इस मामले को लेकर
अधीक्षण अभियंता के ऑफिस फतेहपुर में आकर वह धरना प्रदर्शन कर रहे। लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए इसका पांचवा दिन हो गया और अब वह धरना प्रदर्शन तभी समाप्त करने की बात कर रहे हैं जब अवर अभियंता को निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो हमने संविदा कर्मचारियों के संगठन जिला अध्यक्ष अनिल कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी हालत में संविदा कर्मचारियों के जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात देखने की यह बात भी होती है क्योंकि मोस्टली छोटे निचले जो संविदा कर्मचारी होते हैं उनका अक्सर शोषण किया जाता है, खासकर विद्युत विभाग में अक्सर ऐसा देखा गया है विभाग में लाइनमैन या उनसे छोटे कर्मचारियों को गाली से बात की जाती है और खासकर किसी भी सरकार में या कोई भी हो किसी के साथ दुर्व्यवहार या गाली गलौज नहीं की जा सकती है, खासकर जब आप एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, पद की गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि यहाँ पर अधीक्षण अभियंता द्वारा इस मामले को लेकर जो बयान जारी किया गया वह भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे पर आए। जब मामला संज्ञान में आया और ऑडियो वायरल हुआ था, वायरल होते ही ऑडियो पर जांच कर इस मामले को लेकर उन्हें तत्काल अवर अभियंता को वहां से हटा देना चाहिए और दूसरी जगह पोस्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे संविदा कर्मचारी खासे नाराज रहे। बिल्कुल बबलू, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी गरिमा को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जालौन में पुलिस अधिकारी की डीपी लगे नंबर से एक डॉक्टर से रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। चिकित्सक से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में ही नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल आशिक मिजाजी और प्रेम प्रसंग में दखल अंदाजी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हालांकि चिकित्सक की तहरीर के आधार पर ही आरोपी पर कार्रवाई करते हुए रंगदारी के मामले में आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अब पुलिस ने रंगदारी मांगने की बात को सिरे से नकार दिया। डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिए गए तहरीर पर दिनांक 6/11/22 को रंगदारी मांगने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव का अपने ही सामने की एक नर्स से संबंध काफ़ी दिनों से था। अब उसका संबंध एक वसीम नामक के जो रामपुर का रहने वाला उससे हो गया। बांदा में एक कुकर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग 7 साल के किशोर के साथ एक हैवान युवक ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मासूम बच्चे ने ही पूरे मामले का दास्तान जो है अपने परिजनों को बताया और परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। SP अभिनंदन के आदेश पर मामला दर्ज कर पुलिस ने किशोर को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। और बता दें आपको कि पूरा मामला बांदा जनपद के ही मठौद थाना क्षेत्र के एक गाँव से सामने आया है, जहाँ पर एक 7 साल के मासूम बच्चे के साथ एक हैवान ने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान आरोपी ने किशोर को टॉफी देने के बहाने ही बहला फुसला कर ले गया और सुनसान जगह पर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्चे ने अपने पिता के सामने आपबीती बताई और घटना के बाद पिता ने आनन फानन में पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे बाद बिना कार्रवाई छोड़ दिया और मामले में लापरवाही करती रही, जिसके बाद पिता ने पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन से पूरे मामले की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन ने मामला दर्ज करवा कर ही मासूम बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए बांदा जिला अस्पताल भेजा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि बांदा से खबर है जहां पर 7 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि पिता को जब मामले की जानकारी मिली तो पिता आनन फानन में ही पुलिस थाने पहुंचा और जहां पर मामले की शिकायत पीड़ित के परिजनों द्वारा ही दर्ज करवाई गई है और परिजनों के द्वारा पीड़ित दर्ज करवाने के बाद मामला अब पुलिस हरकत में आई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी खबर पर बांदा से संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी
जी आपको बता दूं मैम कि पूरा मामला आपके बांदा जनपद मटौन थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक 7 साल के मासूम बच्चे के साथ एक हरवान ने कुंभ की वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उसी समय आरोपी किशोर को बहला फुसला कर टाफी देने के बहाने ले गया। ले जाने के बाद जब उसने कुकर्म को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद जब बच्चे ने अपने पिता से आप बीती बताई तो पिता ने थाने में जाकर तहरीर की, तहरीर के आधार पर आरोपी को बैठा तो लिया गया, पर इसके बाद 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को छोड़ दिया गया। जी जी पंकज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मासूम बच्चे को जो इसके साथ पीड़ित के साथ न्याय हुआ है, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और ऐसी खबर भी सामने आई कि फिर उसको छोड़ दिया गया था, अब जो पीड़ित है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। जी जब बच्चे ने अपनी आपबीती बताई, आपबीती बताने के बाद जब वो पुलिस थाने में आरोपी थाने में पीड़ित की नहीं सुनी गई तो पुलिस ने फिर एसपी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, तो न्याय की गुहार लगाने के बाद अभिनंदन एसपी पुलिस अधीक्षक जो है कार्रवाई के लिए आदेश दिया, जिसको आदेश देने के बाद अब पुलिस हरकत में आई। जी जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण के साथ अब ठंड ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में ही आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ रहा और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच सकता है और वहीं यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों में बारिश होने से मौसम में बदलाव रहा देखा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड पड़ रही है। वहीं वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है और दिल्ली में आज सुबह का औसतन XUI 337 दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।